अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री। क्या नाम बताया मेरे बेटे? जी टिल्लू चिरान। कमिश्नर साहब की साली से काय शादी करना चाहता है मेरे बेटे? क्योंकि हम उसे चाहते हैं, वो हमें अच्छी लगती है। रूसा को आप अच्छे लगते हैं? हाँ हाँ भाभी जी, रूसा को हम बहुत पसंद है। बेटे पसंद करने में और शादी करने में फर्क होता है। पसंद तो लोग चांद तारों को करते भी है, तोड़ तोड़ के घर थोड़ी ना ले आते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम टीकाराम है। गो क्या करते हो? फिलहाल तो कुछ काम ना कर रहा हूँ मैं। शादी करने का इरादा रखते हो? क्यों नहीं सर, मैं कहता हूँ शादी तो सबको करनी चाहिए। मतलब शादी तो मतलब वो लड्डू है कि जो अगर आप ओके ओके आई नो दिस लड्डू सेइंग, हमने भी खाया है लड्डू। कैसी लड़की से शादी करोगे? लड़की बिल्कुल रूसा जैसी होनी चाहिए, एकदम बिंदास। चाची, क्या आपको लगता है कि इस आदमी की औकात है? बिल्कुल नहीं। इससे अच्छा तो वो चाय वाला है ना, अगर वो कहेगा कि मैं रूसा से शादी करना चाहता हूँ तो रूसा तैयार हो जाएगी उसके साथ। चूस मी। वेल सेड चाच, वेल सेड, वेल सेड। यू नो इसने अभी तक जिंदगी में जो भी राग गाया है, बदतमीजी का राग गाया है, इसे बहुत मेहनत करने की जरूरत है। इसको तहजीब, तमीज, तबुद्दीन वाला जो राग है ना, वो सुनने की जरूरत है। लेकिन एक बात कह रहा हूँ, तू बिल्कुल सही कह रहा है, और जहां तक सवाल है ताल का ना, तो बहुत बड़ा बेताला है ये, और ये बहुत ही नहायत ही घटिया प्रजाति का एकदम बदतमीज प्राणी है। आप कितने तक पढ़े हैं? आप जितना सेठ जी पढ़े हुए? अबे मेरा मतलब है तीसरी में 3 बार फेल हो चुका हूँ। आपको पता है कि रूसा के पास MBA का सिगड़ी है? अरे वाह भाभी जी, सिगड़ी का तो हम भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। डिग्री कहना चाह रही है? सही पकड़े हैं। रूसा MBA है और उसके बाद उसने LSD भी पढ़ा है। अरे LLB कहना चाह रही है? सही पकड़े हैं। आज तक कितनी लड़कियों को छेड़ चुके हो आप सेठ जी? वैसे तो देखा जाए ऐसा मैंने आज तक गिन के तो ना रखा, लेकिन मान के चलो 500 तो लड़कियां छेड़ी होंगी, लेकिन सेठ जी कभी घमंड नहीं है। आइडिया, वाह 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 वाह, क्या बात है बेटे, क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वाह वाह। कितने अच्छे से हमारे सवालों के जवाब दे रहा है मेरे बेटे लल्ली चढ़ गई का। शादी के बाद रूसा को खिलाएंगे का? भाऊजी मैं उसे रानी बना के रखूंगा, घी दूध पिलाऊंगा, खाना खिलाऊंगा, घुमाऊंगा। इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मेहनत मजदूरी करूंगा। तो अब तक घुइयां छील रहा था, मेहनत मजदूरी काहे नहीं की? सेठ जी जब जागे तभी सवेरा होवे। चलिए आपका इंटरव्यू जो है वो समाप्त हुआ। तो भाभी जी मैं अपने आप को पास समझू? फेल है बेटा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री। यशोदा के साथ आपकी लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन अभी हमें मिलकर आस्था को ढूंढने जाना चाहिए ना। चलिए। कोई जरूरत नहीं है। क्यों? आपके दिल में पोतियों के लिए इतना ही प्यार था? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। हमारे दिल से अपनी पोतियों का प्यार कभी खत्म नहीं हो सकता, लेकिन आस्था को ढूंढने जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि आस्था इसी घर में है। आस्था, आस्था, बाबूजी आस्था यहाँ? हाँ अरविंद, कल देर रात आस्था ने हमें फोन किया था यशोदा के फोन से।
हाँ यशोदा बोलो। दादा जी मैं आस्था। आस्था? बेटा क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मैं यहाँ नहीं रह सकती दादा जी, मुझे आपके पास आना है, अपने घर आना है। ठीक है बेटा, तुम रो मत, रो मत, तुम हमें अपने घर के बाहर मिलो। मालती, हमारा दिल इतना भी पत्थर का नहीं हुआ है अभी कि अपनी पोतियों के लिए भी ना पसीजे। हम ये चाहते थे बड़े मालिक। बात बोली कि बड़ी बीबी घर पर नहीं है तो आपके चेहरे पर जरा सी भी टेंशन नहीं थी, और मैंने कामिनी मैम साहब को भी बार बार स्टडी रूम की तरफ देखते हुए देखा था। और तभी मुझे पता चल गया कि बड़ी बीबी यही है, तो इतना तो समझ ही गया क्या मैडम जी से भले ही जितना नाराज हो, लेकिन आपके मन में आपकी पोतियों के लिए अपना प्यार कम नहीं होगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। हमें जो बताओ, डोकर से तुम्हारी तनक का खटपट चल रही, अनबन? अनबन पड़ोसियों से होती है, राशन वाले से होती है, दूध वाले से होती है, सहेलियन से होती है, पति पत्नी के बीच में तो ठनाठन होती है, घमासान वही चल रही है। हम का कह रही अम्मा, जो उम्र में तुम्हें मतलब जी तलाक फलाक छी सब बात है शोभा दे तू है, मोहल्ला में थू थू हो जाएगी, क्या कहेंगी डोकरी या सठी आ गई जो उम्र में। अब बताओ, जो उम्र में तुम्हें सर्टिफिकेट चाहिए का कि सठी आ गई तुम? ठीक है नाच पीटे तू कौन? हम दरोगा आपको से। नाच पीटे दरोगा होगा तो बाहर वालन के लाने, हमारे लाने तो तू हपुआ है। तो मैं देखू दो चार थप्पड़ और मारने मार लू, ठीक है अम्मा जो फैसला ठीक नहीं है जो बदल दू जो तलाक पलाक। मैं का बदले? जिस आदमी को हमारी परवाह नहीं आ, हमें भी बाकी परवाह नहीं आ। देखो डोकर की तरफ से हम माफी मांग रहे। नाच पीटे तू कौन? कहीं तेरों पे चक्कर तो ना चल रहे हो दादा? अगर ये बात है ना, हम रज्जो से कह के तेरे को भी तलाक दिलवा देंगे, कह रहे हम। अरे घुइया कच्ची चक्कर ना चल रहा, ना उनको चल रहा ना हम आओ चल रहा। अरे भी मर गए आपका चक्कर चलाएंगे? कहा पता तो को अपुआ, मर भी गए ना फिर भी उनकी आत्मा ना बड़ी रंगीली हैगी, कहा बताए उनके चक्कर हम, हमारी मैरिज एनिवर्सरी में हमसे मिलने के बजाय हमारी सहेली होती है जमीला, बात है उनके ऊपर पहुंची, बाकी तस में पहुंच जाते तेरे डॉक्टर। अच्छा डॉक्टर भी बहुत बड़ी चिरान दत्ती। अम्मा तुम गलत समझ रही हैं, भी हिम्मत दे रही थी तुझ में, बड़ी हिम्मत आ गई कि हमारे सामने आ गजबर जबान निकालना हुआ काटने में देर ना लगेगी। अरे हमने कछु गई का, हम जो कह रहे हैं डोकर को समझाएंगे। समझा ले। अरे अकेले तो समझा समझा, अकेले थोड़ी तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। घुइया मदद ना करेंगे हम? अरे बिल्कुल, हम तेरे डोकर को घास ना डालने वाले। अरे देखो तो 9 महीने हमने अपने चौक में रखा और उनसे तू भोग जैसे हो दादा, क्या अपनी लुगाई दबा दबा। अरे तो मान तो जाओ दादा, तुम सोच रहे हुए जो ससुर डायरी पेन लेके काई आ गऊ, हमें आइडिया जैसे आओ ना, हमें याद है तुमने हमें बचपन में एक चीज सिखाई थी, लाइट से जलनू बुझनू कोड वर्ड सिखाई थी, बस हम पूरी बातें लिखते थे फिर बाद में समझ लेते कि का कहनू चाह रही। तो डोगर आज वैसे ही वाले सिग्नल दे दू हमें ताकि हम जान पाए ससुर
रोकर अब मुद्दे पे आ जाओ और अपनी बात कहो, इशारे दियो हमें। बस बस बस, गधे की औलाद क्या पूछना चाहता है पूछ। हाँ तो डोकर, हम जो पूछना चाह रहे कि सबसे पहले हमें जो बताओ, तुम आओ और अम्मा को झगड़ा भाव है का? हाँ जो बात तुम बिना लिखे समझ गई, भाव है भाव है। हमें जो बताओ कि अम्मा से तुम भी तलाक लेना चाहती हो का? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।